बॉय वो भी डाउन हो गए, लास्ट प्लेयर शांकी बचे हुए थे, पथेटिक नूब, इसी के साथ एलिमिनेट होती हुई 12वें स्थान पे। चलिए नेक्स्ट मैच में उनके पास पूरा मौका रहेगा कि अपने आप को ज्यादा ऊपर तक लेके जाएं। डेनियल इसी के साथ खत्म हो गए, उनको बचाया नहीं जा सका। मोस्ट प्रोबेबली सुल्तान लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, देखना है यूडॉक की कमान वो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। एचबी के स्क्वाड के आपको तीन प्लेयर सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। हीरोज का बढ़िया काफी रोटेशन अच्छा हमें देखने को मिला है। वहीं पर अगर B4M की बात करें, जो प्लेयर नॉक था उनको रिवाइव कर दिया गया। ईएल की स्क्वाड काफी ज्यादा खुश होगी, शुरुआती दौर से उनके पास बढ़िया कंपाउंड था, उसका भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया जरूर है, बट आप वॉकआउट्स को देखें, उनको भी पता है कि प्लेसमेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनचाही जो फाइट है वो बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्वमेंट वो दिखा नहीं रहे, जोन टू जोन खेलने की उनकी कोशिश ज्यादा, और एक बार फिर से बड़े आसानी से अपने आप को जोन के अंदर पहुंचाते हुए सुल्तान यहाँ पर फिनिश ऑफ जरूर से होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ टीम यूडॉक का एलिमिनेशन हमें 11वें पायदान पे देखने को मिल जाएगा, चार फिनिशर्स के साथ। बट मीनवाइल अगर हम बात करें टीम एलिवेट, टीम के पास कुछ इनवाइटेड गेस्ट जरूर चाहिए, वो रहने वाले टीम हीरो ऑफिशियल। चलिए मेजी, आपने इनका नाम जरूर से लिया, मुझे लग रहा है आप थोड़ी मुश्किलों में जरूर से रहने वाले, बट बात करें B4M की, वो भी यहाँ पर वीकर लेकर के आएंगे। ये जो होल्डिंग स्पॉट है ये काफी ज्यादा बेहतरीन, और सारी ही टीम चाहती है अभी इस होल्डिंग स्पॉट पे आने का। बट अगर हम बात करें कालन की, वो यहाँ पर मौजूद जरूर से रहने वाले, हर दिशा से जो नॉक से वो निकाले जा रहे हैं, और इसलिए वहां पर फिनिशर भी कंफर्म की जाएगी। एक और खिलाड़ी को स्पॉट किया, 1 HP वो खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए अंदर जाएंगे जरूर। क्रीड देखते अपने आपको हील कर पाएंगे नहीं, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें टीम ईएल की, पूरी तरीके से ड्राइविंग सीट पे वो आ चुके हैं। टीम B4M वो भी चाहेंगे इस कंपाउंड को हथियाना, बट बात करें टीम ईएल की, उनके पास अभी के लिए मैन एडवांटेज रहने वाला है। मीनवाइल अगर हम बात करें टीम वॉकआउट की, टीम INR उनके सामने मौजूद, एक 2v2 की फाइट, देखते हैं जीत किसकी होती है। हुआली वहां पे बहुत कुछ कर सकते थे बट उन्होंने रुकना ज्यादा पसंद किया। अब्रार की बात की, एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने किया जरूर है, बट नीचे के साइड पे शूटर मौजूद रहेंगे, UMP उनके हाथ में रहेगा। बट मुजीब की बात करें, मुकीब की बात करें, वो जस्ट पीछे आपको दिखाई देंगे, बगी लेके आने की कोशिश रहेगी, बट उनको भी डैमेज पड़ा, मोस्ट पर भी वो वहीं के वहीं डाउन किए जाएंगे। बट दूसरी साइड पे बात करें, TBS का इस्तेमाल अभी तक यहां पे किया जा रहा है, क्रीड यहां पे डाउन है। फ्रॉस्ट की बात करें, एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, MZ की स्क्वाड क्या यहीं पे एलिमिनेट हो गई, मोस्ट प्रोबब्ली यस, मिड जोन गेमिंग की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होगी 8वें पायदान पर। बट थंडर YT वो भी डाउन किए जाएंगे, INR का एक प्लेयर डाउन हो चुका, शूटर अंदर मौजूद रहेंगे। मुकीब की बात करें, आए जरूर, बट UOP उनके पोजीशन बिल्कुल भी इस वक्त उनको पता नहीं, आप देखें सामने बैठ के वहां पे स्मोक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने टीममेट को कॉल दिया गया, मिस्टर स्प्रे कवर फायर देने को पूरी तरीके से तैयार। इतना बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिलता हुआ टीम वॉकआउट का, एक खिलाड़ी आप देखिए युवा कितना ज्यादा आगे हमें देखने को मिल रहा है, मिस्टर स्प्रे काफी ज्यादा पीछे, हालांकि जोन के अंदर दोनों खिलाड़ी रहने वाले हैं, देखते हैं ये स्ट्रेटजी कितना काम आएगी, क्योंकि शूटर अगर ओपन में आएंगे तो पीछे से कवर फायर जरूर से दिए जाएंगे। युवा आगे की तरफ मौजूद, अगर यहाँ पर नॉकआउट होता तो पूरी तरीके से तख्ता पलट जाएगा, और वही चीज देखने को मिलती हुई, अब मात्र एक खिलाड़ी स्प्रे, और वो भी मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर फाइट में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। टीम INR का बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, 9 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके, और अभी भी 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए। IGL इसी के साथ आगे आएंगे जरूर, बट बहुत ही ज्यादा लो ऑन HP हमें देखने को मिलते हुए, एक 1v2 का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, जहां पर अगर एक नॉक निकालते हैं तो शायद वो जो कन्वर्जन है वो हमें देखने को मिलेगा, वो बेहतरीन ग्रेनेड आएगा, अपने ही ग्रेनेड से खुद को करेंगे एलिमिनेट, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, एलिमिनेशन 6वें पायदान पे। अरे वो सामने जिस ग्रेनेड उनके गिरा हुआ था उन्होंने देखा भी, उससे बचने के लिए वो पेड़ के पीछे गए, बट वापस से वो आगे आ गए, उनको पता होना चाहिए था कि वो ग्रेनेड बिना कुक करे जस्ट थ्रो कर दिया गया था, वो आगे आए, उनके हाथ से वो ग्रेनेड छूटा भी नहीं, और सामने के जो आईस थे उन्होंने वो फिनिश निकाला, और इसी के साथ IGL खत्म हो गए। बड़े HP की बात करें जाए, लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचेंगे, देखना है कितना ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं। बट टीम TH, टीम होप की बात करी जाए, उनके अंदर होप है, क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा बढ़िया गेम उन्होंने दिखाया। ईएल एलिवेट के आखिरी प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे जोन के बाहर, जोन के अंदर उनको निकलना पड़ेगा, बट अंकित की बात करें उन्होंने यहाँ पे स्पॉट किया, स्कारल चलाते हुए दिखाई देंगे विद 6-6, वो जोन के अंदर पहुंच पाना लगभग नामुमकिन, हील बैटल करने की कोशिश करेंगे या फिर अपना फिनिश जोन को ही देना वो सही समझेंगे, क्योंकि एक एक अंक इस पूरे मैचेस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ऑलरेडी यहाँ पर वो जो हील बैटल है वो इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें TH की, प्रबल दावेदार इस पर्टिकुलर मैच में सेकंड रन निकालने के, लेकिन पीछे अभी भी टीम वॉकआउट के एक खिलाड़ी मौजूद है, और क्या पता है टीम होप को कि उनको पीछे अभी बैक स्टैबिंग एक सिनेरियो बन सकता है, वो एक देखने वाली बात जरूर से रहने वाली। भैया अगर बात करें टीम ईएल के प्लेयर की, चलिए ओपन में आएंगे जरूर, एक ईजी फिनिश मैं बोलूंगा जाता हुआ टीम होप के खाते में, 6 फिनिशर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 खिलाड़ी इनके सर्वाइव करते हुए। टीम INR एक मेन के मैं कहूंगा ओपोनेंट जरूर से यहां पर रह सकते हैं। वहीं बात करें टीम वॉकआउट्स के स्प्रे की, आप देखिए वो धीरे धीरे आगे आ जरूर से रहे, लेकिन अभी के लिए एक 2v3 का बैटल हमें यहां पर जरूर से देखने को मिल सकता है, जहां पे टीम INR ऑलरेडी जोन के अंदर है, बट मिस्टर स्प्रे की अगर हम बात करें ये यहां पर एक बहुत क्रूशियल रोल जरूर से निभा सकते हैं। बट मीनवाइल अगर हम बात करें INR के शूटर की, वो ओपन में आएंगे जरूर से, डैमेज उनके ऊपर डील जरूर से किया जाएगा, लेकिन अभी भी मिस्टर स्प्रे बिल्कुल साइलेंटली आगे बढ़ रहे हैं अपने शिकार के लिए। मुझे बस ये देखना है कि वो जो ग्रेनेड था क्या वो शूटर के ठिकाने पे गिरेगा या फिर नहीं, क्योंकि परफेक्ट ग्रेनेड वो गया था
पता चले शायद उन्होंने ग्रेनेड कैंसिल करा। वहीं पे दूसरी टीम की बात करें वो भी आपको वहां पे दिखाई देंगे। शूटर की बात करें अभी वहां पे मौजूद है एक बढ़िया ग्रेनेड किया गया बट रैंडम ग्रेनेड काफी ज्यादा ओवरकुक ग्रेनेड जाता है। मिस्टर स्प्रे उनके पास पूरा मौका है 1v3 करने का। देखना यह है कि क्या वो 1v3 कर सकते हैं क्योंकि जो गन उनके हाथ में है बड़े आसानी से 1v3 किया जा सकता है। शूटर अभी भी बस वो इंतजार कर रहे हैं। ऋषि की बात करें वो भी इंतजार कर रहे हैं कोई पीक दे कोई गलती करे उस चीज का वो मौके पे फायदा उठाए। ऋषि अभी भी उस चीज का करने की कोशिश करेंगे। शूटर वो भी इंतजार कर रहे हैं इसकी बात करें वो भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। बट इन सब चीज के बीच में एक कोई प्लेयर है जो घात लगा के अभी भी बैठा रहेगा मिस्टर स्प्रे। देखना ये है कि ये वाला ग्रेड अगर कनेक्ट हो गया है कि क्या वो थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थ्रो किया तीनों प्लेयर एक साथ खत्म और तीन एक्स्ट्रा फिनिशर्स निकालेंगे बट नहीं गलत दिशा में वो जो ग्रेनेड था वो जाता हुआ। बिल्कुल वहां पे शूटर के ऊपर कनेक्शन आया जरूर से बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी हमें शूटर अभी के लिए देखने को मिल रहे हैं और M249 आपके पास मौजूद हो वो भी 150 बुलेट्स के साथ। मेरे ख्याल से कोई भी चीज इनको रोक नहीं सकती बट अगेन अगर ये जो इनकी आवाज है यहां से अपनी पोजिशन चेंज करने की वो जाती है टीएच के पास तो वो जरूर से चौकन्ने हो सकते हैं। अभी के लिए टीएच का पूरा जो ध्यान है वो आगे की तरफ मौजूद है जहां पे टीम INR हमें देखने को मिलती हुई एक 1v2v3 का ये बैटल हमें देखने को मिलता हुआ। चिकन डिनर अगर आप निकालते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पोजिशन पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ वो जो फिनिशर है वो आप अपने पास से लेकर के जाएंगे। वहीं शूटर की बात करें हील करेंगे। वहीं अगर हम बात करें आइस की वो थोड़ा आगे की तरफ गए जरूर से हैं। अभी भी मिस्टर स्प्रे अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेंगे। चलिए फाइनली आइस जो ऊपर से आएंगे जरूर से एक खिलाड़ी को नॉक उन्होंने किया स्प्रे के लिए बिल्कुल ओपन वो रहने वाले लेकिन फिनिश ऑफ किए जाएंगे। एक 1v2 का बैटल है कन्वर्ट हो चुका है मिस्टर स्प्रे उन्होंने पढ़ा जरूर से होगा फिनिश फीट को क्या वो आगे जाएंगे। ये मोलोटोव लेट्स सी कि वो कनेक्शन बना सकते हैं नहीं। M249 उनके पास रहने वाली है धीरे-धीरे होले होले आगे जा जरूर से स्पॉट करेंगे प्लेयर्स को। एक को डाउन किया क्या वो दूसरे को डाउन करेंगे दो को डाउन किया Team Walkout.